तेल और तिलहन की तेजी के बीच बाजार अब कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का असर भांपने में जुट गया है। बीते 1.5 साल से सोयाबीन, सरसों और तेल में जोरदार तेजी चल रही है। तमाम लोग इसे नए कानूनों से जोड़कर भी देख रहे थे। माना जा रहा था कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के वादे और कानूनों के फायदे बताने के लिए तेजी पर अंकुश लगाने की कोशिश भी नहीं करते हुए तेजी के साथ खड़ी नजर आ रही थी। नतीजा, दोनों प्रमुख तिलहनों सोयाबीन और सरसों ने अब तक का सबसे ऊंचा स्तर इसी समय देखा। इस साल भी सोयाबीन की तेजी जारी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। कई जानकार आशंका जता रहे हैं कि आगे जाकर सोयाबीन में गिरावट देखी जा सकती है। तर्क दिया जा रहा है कि गिरावट को कानून वापसी से जोड़कर देखा जाएगा। NCDEX में शुक्रवार को गुरु नानक जयंती की छुट्टी के कारण यूं भी पहले सत्र में कारोबार नहीं हुआ। ऐसे में सट्टेबाजों और बाजार का मूड बाप नहीं जा सका। दूसरी ओर अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम तेल की सप्लाई टाइट है। चीन और मलेशिया के बाजार में तेलों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। इससे खाद्य तेलों की मजबूती को सपोर्ट भी मिल रहा है। मूंगफली तेल के दाम ऊंचे होने के कारण इसकी मांग काफी कमजोर है। वहीं गुजरात में मूंगफली तेल के प्लांट अपनी पूरी क्षमता से चलने के कारण तेल की उपलब्धता बढ़ती जा रही है। इसके चलते इंदौर में गुजरात की तरफ से मूंगफली तेल की आवक बढ़ने के कारण भाव में मंदी देखने को मिल रही है। मूंगफली तेल इंदौर 10 रुपए घटकर 1370 से 1390 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर मंडियों में सोयाबीन की आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। सोयाबीन में स्टॉकिस्ट की अच्छी मांग के चलते भाव मजबूती पर टिके हुए हैं। मंडियों में सोयाबीन के दाम 6050 से 6100 और प्लांट खरीदी भाव 6100 से 6200 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले जाने लगे हैं। हालांकि स्टॉक लिमिट के दर से अधिक स्टॉक करने से बच भी रहे हैं। सोया तेल में विदेशी असर और वैवाहिक सीजन की डिमांड अच्छी रहने से भाव में सुधार जारी रहा। शुक्रवार को सोया तेल इंदौर सुधर कर 1255 से 1260 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। MP और महाराष्ट्र के प्लांटों ने भाव 5 रुपए प्रति 10 किलो बढ़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट।